Good morning, students. Today we will study EVS. New chapter, lesson number 21, means of transport. So, all of you open your book and take a pencil in your hand. Yes, students, open page number 71, means of transport, lesson number 21 in EVS. Write CW and today's date. So, we will study about means of transport. What is means of transport? The means through which we travel from one place to another. That could be a car, bus, motorcycle, scooter, auto rickshaw, rickshaw, or aeroplane, or train, or ship. Any means of transport. Okay, so we will study about different means of transport. So, let's start the lesson.

लोडिंग टेम्पोज उसमें बहुत सारा सामान इधर से उधर आप शिफ्ट करते हो इज इंटेड इफ यू चेंज योर हाउस यू यूज ट्रक्स एंड टू कैरी द गुड्स दी दे कैन बी यूज ऑन लैंड इन वाटर और इन द एयर यस द सेम कैन बी इट कैन बी यूज ऑन लैंड जैसे लैंड पे ट्रक है बस है कार है ये तो लैंड पे चलेंगी फिर इन वाटर यू हैव शिप बोट

उसमें कार्स होती हैं बस होती हैं स्कूटर है मोटरसाइकिल है साइकिल रिक्शा है साइकिल है आपकी आप साइकिल चलाते होंगे ना ऑटो रिक्शा है ऑल दीज आर द लैंड ट्रांसपोर्ट ये जमीन पे चलते हैं लैंड मीन्स जमीन नाउ सी दिस इज द एक्सरसाइज गिविन टू यू पिक्स आर गिविन एंड यू हैव टू राइट द नेम्स कार बस मोटरसाइकिल स्कूटर ऑटो रिक्शा एंड साइकिल रिक्शा सो यू कैन सी ऑल दी स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग ट्रैक्टर वॉट आर विलेजेस विलेजेस मतलब गांव छोटे छोटे गाँव होते हैं विच आर कॉल्ड विलेजेस उनको हम विलेज बोलते हैं तो वहां पे क्या चलती है साइकिल चलती है बाइसिकल टोंगा जो हॉर्स राइड होती है ना दैट इज टोंगा अब तो इतने देखने को नहीं मिलते हैं पहले बहुत होते थे बुलेट कार्ट्स जो बैलगाड़ी होती है गांव में चलती है ना और ट्रैक्टर जो खेतों में और उधर इधर उधर काम आता है दे यूज इन विलेजेस ट्रैक्टर्स ये सब लेज में यूज होते हैं बट नाउ डेज द टाइम हैज चेंज बुल्ड तो विलेज में ही होगी बट बाइसिकल एंड ट्रैक्टर यू कैन फाइंड इन सिटीज ऑल्सो ठीक है नाउ वी मूव टू नेक्स्ट पेज नेक्स्ट पेज राइट द नेम्स ऑफ द व्हीकल्स इन द गिंग ब्लैंड अब ये विलेजेस के ट्रांसपोर्ट दे रखे हैं एंड यू हैव टू राइट द नेम्स द पिक्चर्स आर गिविन फर्स्ट वन इज बुल्ड सेकेंड इज ट्रैक्टर थर्ड इज स्टोंगा एंड फोर्थ इज बाइसिकल सो ऑल दीज स्पेलिंग्स यू विल सी फ्रॉम द प्रीवियस पेज इट इज गिवेन राइट द करेक्ट स्पेलिंग ओके नाउ ऑल द मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हैव व्हील्स टू मूव ऑन लैंड अब ये जो रोड पे चलते हैं ट्रांसपोर्ट ये किसकी हेल्प से चलते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हील दिस इज द व्हील आप देखो स्कूटर में भी व्हील होता है साइकिल में भी व्हील होता है टोंगा में भी व्हील होता है ट्रैक्टर में भी बुलट कार्ट में भी ट्रेन्स में भी व्हील्स होते हैं बट बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे इन सब में बड़े बड़े होते हैं दे आर कॉल्ड टू व्हीलर दस जैसे टू व्हीलर है तो दो व्हील होंगे अब ऑटो रिक्शा में तीन होते हैं है ना तो ऐसे इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ व्हील्स सो दे आर कॉल्ड व्हीकल्स इसलिए उनको व्हीकल्स बोलते हैं नाउ वी कम टू ट्रेन 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 रन ऑन ट्रैक्स लेड ऑन द ग्राउंड ट्रेन ट्रैक पे चलती है जो ये ट्रैक लाइन बनाते हैं ना ट्रेन का स्पेशल ट्रैक इस पे खाली ट्रेन ही चल सकती है दे आर ऑल्सो इन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में भी आएगा एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स आप इसमें ट्रैवल भी कर सकते हो एंड यू कैन कैरी गुड्स ऑल्सो बोध दिंग्स आर डन विद द हेल्प ऑफ ट्रेन यू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर नाउ मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट अब एयर के जो मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट वी कैन ट्रेवल इन द स्काई बाय एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर्स हम एरोप्लेन से फ्लाई कर सकते हैं वी कैन टेक अ फ्लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड वी कैन गो बाय हेलीकॉप्टर ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ दीज मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट इन द गिंग ब्लैंक्स नाउ पिक इज गिविन दिस इज एरोप्लेन एंड दिस इज हेलीकॉप्टर यू सी द स्पेलिंग फ्रॉम हियर एंड राइट इट करेक्टली हियर यू हैव टू लर्न ऑल दीज स्पेलिंग्स ओके नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज means of water transport now we will study about water transport boats sail on water you can see the boat sailing in the water a large boat is called a ship jo badi wali size mein hoti hai boat usko hum ship kehte hain isme to बहुत बड़ी है इसमें floors होते हैं third floor, second floor, fourth floor, fifth floor. बहुत बड़ी बड़ी ships होती हैं and you have everything in this you have the drawing room you have the games room you have a hall for entertainment then you have a bar where they serve drinks they have a dancing room also many rooms are there library also they have so ship has got so many floors first floor second floor building like a building okay so this is a ship and this is simple boat in this only two or three people can Move from one place to another. Write the names of these means of water transport in the given blanks. Here you will write boat and here you will write ship. So you can see the spelling from here and write it correctly. And you have to learn these spellings again and again. I am reminding you, you have to learn all these spellings and you have to remember what are land transports, what are air transports, and what are air transport and according to that you have to learn the spellings now we come to exercise i will send you the pdf okay thank you